أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ये खबर पूरे तेलंगाना की आवाम को दी जाती है कि आप अपने बच्चों की हिफाजत, छोटे मासूम बच्चों की हिफाजत कीजिएगा, बच्चे बहुत मिसिंग हो रहे हैं। अब भोलापुर में आज तकरीबन 8 से 10 बच्चे तक मिस हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को जो लेके जा रहे हैं एक टोली है उसका पता नहीं चल रहा है। स्कूल छूटने के टाइम पर आप मदरसे को जाइए, स्कूल को जाकर अपने अपने बच्चों को पिकअप कर लो, अच्छा रहता है, पर बाद में पछताना नहीं पड़ेगा आपको। मासूम बच्चों को चॉकलेट का बहाना देकर गाड़ी पे छोड़ दो, हमारा घर कहाँ है बोल के ऐसा ही लेके बच्चों को लेके जा रहे हैं। आप अपने बच्चों की हिफाजत कीजिएगा, बाहर मत भेजो। अगर कोई भी अगर कोई भी नया आदमी आकर बुला रहा है, अगर रास्ते में आप दो बच्चे अब रास्ते में जा रहे हैं तो कोई बोल रहा है कि बेटा बैठ, तेरा घर का मैं छोड़ दूँगा, फौरी कभी आप उस गाड़ी पे बैठ के मत जाइए। ऐसा करते हुए तकरीबन बच्चों को यहाँ पर लेके जा रहे हैं। और आज पीएस में मुशरत पीएस में बहुत से बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्टें भी हैं। आप तमाम आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि आप अपने बच्चों की हिफाजत कीजिएगा, ख़ासकर मासूम बच्चों के, क्योंकि ये बच्चे 7 साल 8 साल की उम्र को जो पहुँचे हैं वो बच्चों को भी लेके गए हैं, और 2 साल 1.5 साल के जो बच्चे आंगन में रोड घर के सामने जो खेलते हैं उनको कौन उड़ा के ले जा रहा, कोई उनको तो मालूम नहीं है। लेकिन ख़ासकर भुरके वाली औरतें बहुत मांगने के लिए नए नए आ रहे हैं, उनको पहले यहाँ से हकाल दो, कोई देने ज़रूरी नहीं है उनको देना बोल के, भीख देना बोल के ये लोग एक खेल गेम बना लिए हैं। अच्छे भुरके पहन कर आपके घर के पास आके कोई मजबूरी बता रहे हैं, शादी है ये है कुछ नहीं है। अब वो हो सकता है वो लेडीज़ भी अगर बच्चों को उठा के ले जा रहे होंगे, आपसे इल्तिजा है, अपील है, आप अपने बच्चों की हिफाजत ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।